मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट 3 मंथ से काफी ज्यादा बैक पेन हो रहा था, तो मैंने अपनी फ्रेंड से सजेशन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने मुझे डॉक्टर रजनीश कांत के बारे में बताया कि लास्टली मैं वहाँ गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है उस चीज़ से, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रेफ़र किया। वैसे उसने ये भी बताया कि किसी भी प्रकार का आपको पेन हो, जो भी हो, तो आप उससे मिलिए, वो ठीक कर देंगे। हेलो, हाय, हाय, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हूँ घर में, तो यहाँ यहाँ पूरे बैक में कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ओके, मतलब शोल्डर और बैक में। हाँ, बैक बोले तो क्या, पूरा ये नेक टू बैक? यस, नेक टू बैक। ये कितने टाइम से हो रहा है आपको सब? ये काफ़ी टाइम से, एटलीस्ट 3 महीने से हो रहा है। 3 महीने से हो रहा है क्या? और वैसे में वर्क क्या है आपका? नॉर्मली तो मैं स्टूडेंट हूँ, बट घर में भी बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बाहर आना जाना रहता है। तो ये मतलब पेन अक्सर होता है या मॉर्निंग नाइट्स ऐसा कुछ, चलने पे, बैठने पे, या कंटिन्यूस? कंटिन्यूसली होता रहता है। कंटिन्यूसली होते रहता है। ओके, कभी और कहीं ट्रीटमेंट के लिए गए आप कहीं? हाँ, मैम बहुत सारे लोगों के पास गई थी, बट ऐसा कुछ मुझे रिलैक्स फील नहीं हुआ। मतलब टेम्पोररी रिलीफ हुआ, फिर उसके बाद में फिर से वैसे ही रहा? वापस से वैसे ही होने लगे। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे मैंने देखा था। यूट्यूब पे देखा था आपने? जी, यूट्यूब पे देखा था। फिर आपने मतलब जो भी हो अपॉइंटमेंट बुक किया आपने ट्रीटमेंट के लिए? जी। ओके, बाकी आपका ये फर्स्ट डे है ना? जी। बाकी का आपका जो भी जैसे भी है, एग्जामिन करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है मैम, आएंगे आप इस पर आप लेट जाएंगे, पैर इधर करना है, सर इधर करना है, वो सैंडल रिमूव कर दीजिए, दोनों हाथ को पीछे कर लेंगे। हाँ बस, ये थोड़ा नेक को ऐसे कर लेंगे, इसको नीचे, हाथ नीचे कर, नीचे ऐसे एकदम बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे आप। बॉडी लूज छोड़ दीजिए, टाइट करके रखिए आप, एकदम लूज। नेक भी स्टिफ है आपका, ये थोड़ा लूज ऐसे। दर्द होता है क्या आपको यहाँ पे? थोड़ा 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 थोड़ा। यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा ना? डाइजेशन वीक रहता है क्या आपका? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। वहीं पे दर्द हो रहा। दर्द हो रहा है यहाँ? लेग पेन भी आता है क्या आपको, पैरों में दर्द? हाँ, यहाँ से स्टार्ट है आपको जी, यहाँ से। थोड़ा बैक में आपको ज्यादा इशू आ रहा है, ये थोरैसिक वर्टीब्रा, यहाँ यहाँ, और ये आपका ये पार्ट, ये जो है ना, ये बाहर एंटेरियर, ये पोस्टेरियर शिफ्टेड है ये, जिसके कारण आपके ये सब भी पेन आ सकते हैं। ये साइड से जाएंगे, ये दर्द है ना आपको? बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे आप, एकदम बॉडी जितना लूज छोड़ेंगी उतना ही अच्छा। अर्जुन दोनों पैर एक साथ उठाना, किया। आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रख दो नीचे, तो एक और लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एकदम नॉर्मल, बॉडी को लूज, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओके,
एक लंबा सांस छोड़ेंगे, लोज लो छोड़ देंगे लोज के बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे एकदम रिलैक्स। आप बस ऐसे ही रहो, आप हाथ आप ऐसे करके रखेंगे एकदम रिलैक्स। एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे लूज के रिलैक्स के वन साइड टर्न होना आपको, बॉडी एकदम लूज एकदम रिलैक्स रखेंगे। इसे लॉक कर लीजिए, पकड़ लीजिए इसको, इसको पकड़ लीजिए दोनों कोनी बस। बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स, एकदम लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे ओके रिलैक्स। सेम वैसे ये कमर और आगे लाएंगे बस, ये पैर मोड़ लेंगे नीचे नीचे के पैर सीधा बस, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। इसे लॉक, इसे लॉक कर लेंगे, इधर भी पकड़ लेंगे, नेक को बस ऐसे ही रखेंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस छोड़ देंगे लूज ओके ना, लाइट ऑन स्ट्रेट देखिए ये जो है ना ये प्रॉब्लम है आपको, ये यहाँ काफी ज्यादा पेन रहता है, ये इसी कारण से आपके ये बाजू वगैरह में पेन आते हैं, ये जो है ना ये लो छोड़ देंगे आप, बस आपको नहीं आना है, आप बस वहीं बैठ लेट ही रहेंगे। लो छोड़ेंगे आप, एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे दोबारा से एक लंबा सांस छोड़ेंगे लूज 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 ओके ना, बहुत अच्छा लग रहा एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे लूज लूज रखेंगे, एक लंबा सांस लेंगे लूज लूज सांस छोड़ देंगे ओके। थोड़ा और डाउन जाएंगे, दोनों हाथों में पेन आता है ना शोल्डर में, हाँ शोल्डर में, थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, थोड़ा और नीचे बस, ये नेक के नीचे ऐसे रखेंगे हम, बस सिंगल इसको रखना है बस ऐसे सेम, फिर यही पोजीशन में आ जाना आपको। स्ट्रेट डट जाएंगे हाँ बस ऐसे ही सेम, एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे लूज लूज काफी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। सेम इसको भी वैसे ही नेक के नीचे हाँ बस लंबा सांस छोड़ेंगे लूज 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 ओके रिलैक्स और ऊपर जाएंगे थोड़ा बस लॉक कर लेना बस लूज छोड़ देना आप, टाइट नहीं करना एकदम लूज 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 छोड़ देंगे आप लूज लूज ओके लूज देखिए आपका लेग कितना अनबैलेंस है, देख रही हैं अपना लेग इधर देखिए आप, देखिए कितना अनबैलेंस है, इस लेग पे आप ज़्यादा ठहरती हैं, इस पैर पे जो है ना ज़्यादा बैठ, ये आप अंगूठा देखिए कितना बड़ा छोटा है,
इसी कारण से आपका ये बैक पेन आ रहा है। कि जो बैक पेन आ रहा है जब एक लेग पे ऐसे ज़्यादा रहती है वन साइड नहीं, तो उसको कंट्रोल करना है और दोनों लेग पे वेट लेना है। एकदम नॉर्मल छोड़ देंगे, एकदम लूज 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 लूज, ओके ना? लूज। देखिए अभी देखिए आप, इक्वल हो गए हैं। हाँ, काफी रिलैक्स फील हो रहा है। बस लूज छोड़ देंगे। देखिए लूज 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 टाइट कर रही है आप, लूज। ओके, लूज मैडम, एक सांस लेंगी छोड़ेंगी। ओके, छोड़ेंगे लूज 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 और लूज लूज लूज। लूज रखेंगे बॉडी को, ये नेक ऐसे इसमें ही रखेंगे आप, बस लूज। एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे लूज, एक और फिर से लूज। ओके ना, जस्ट रिलैक्स, वन मिनट रिलैक्स रिलैक्स। ओके, लू छोड़ दी। थोड़ा खड़ा होना है आपको, कंफर्टेबल है? ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा और आगे, बस लू छोड़ देंगे बॉडी को, लूज लूज। ओके, रिलैक्स, छोड़ो अब हो गया। मेरे हाथ पे हाथ रखेंगे पीछे बैक साइड में, फिंगर लॉक, सामने देखेंगे, बस यही रहेंगे आप, पीछे मेरे बॉडी पे गिर जाएंगे, वहीं रहेंगे। एक लंबा सा चलना नहीं, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे थोड़ा, बस यहीं रहना है, बॉडी मेरे पे गिर जाना है। एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, थोड़ा वॉक कर लेंगे एक मिनट। बैठ जाएंगे आप, जो अभी ट्रीटमेंट के 10 मिनट पहले आप आई थी, 10 मिनट का ट्रीटमेंट हुआ आपका जी। पहले और अब में क्या फर्क महसूस कर रही हैं आप? काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, खासकर ये जो मेरे शोल्डर्स में और बैक में पेन था वो तो समझो गायब भी हो गया है, बिल्कुल नहीं है। काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। ओके, काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है, जैसे पहले जो अकड़न था, वो स्टिफनेस था, वो अभी नहीं रहा जी। मैम, इसमें होता क्या ना कि कभी एक दो बार और विजिट करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़े अभी स्टार्ट हो रहे हैं, इस पर अभी ध्यान देंगी आप, एक दो विजिट करेंगी, आपकी 100% क्योर हो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है ना, तो और बाकी का सारा आपका ठीक है, मतलब अभी जो ट्रीटमेंट दिया मैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं, जो आपने आज जो आपके फ्रेंड बताई या जो आप यूट्यूब पे देखी? जी मैम, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मैं उसे जाके सीरियसली थैंक यू बोलूँगी कि उसने मुझे आपके यहाँ पे रेफर किया। ओके, मतलब आपको लगता है कि मैं विदाउट मेडिसिन क्योर हो जाऊंगी? Obviously. Okay.
मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स खाई, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर रजनीश खान जी के यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर लास्टली आई और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है और आप लोगों को भी यही रेफ़र करूँगी, आप लोगों को भी कराना चाहिए।